एवरीवन वेलकम टू करण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो uh... हमारा यूनिट वन जब वो कंप्लीट हो गया है लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो है सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन उसके कुछ पार्ट्स रह गए थे वो मैंने आपको कहा था यूनिट वन कंप्लीट करने के बाद मैं उसका वीडियो बनाऊंगी तो इस वीडियो में हम यही से डिस्कस करेंगे एंड होपफुली आज हमारा जो यूनिट वन है वो कवर हो जाएगा इनके साथ आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर ज्वाइन करें वहाँ पर मैं पी वगैरह एंड टेस्ट सीरीज जो है वो अपलोड करती रहती हूँ अभी मैंने उस पर स्कीम्स जो है आपका यूनिट सिक्स का जो पार्ट है यूनिट सिक्स का वो स्कीम्स का पार्ट वन पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है वहाँ पे तो आपको क्या करना है आपको वो स्कीम्स पढ़नी है क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्चुअल एज ए नहीं होता है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो नहीं लाऊंगी आप वो स्कीम्स पढ़ोगे वो याद करोगे वो रटने वाली चीजें हैं सारी तो एक वीक के बाद उसका जो टेस्ट है वो मैं अपलोड करूंगी उसी टेलीग्राम ग्रुप पे एंड टेस्ट के बाद उसका वीडियो जो होगा सल्यूशन का विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वो मैं लेके आऊंगी तो कोई भी अगर डाउट्स वगैरह होंगे वो उस वीडियो में आपके होपफुली क्लियर हो जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए ज़रूरी ज्वाइन करें वहां पर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह जो है वो आने वाले टाइम में भी आगे भी अपलोड करती रहूँगी तो इस वीडियो में हमें देखना है सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन ये अपडेटेड वर्जन है इसका इस चैप्टर का इसमें कुछ थोड़ा अपडेशन किया है एंड टॉपिक्स इसमें ऐड किए हैं इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मे हेयर करण करंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है एंड बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मुझे बताएं आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कॉमेंट्स करें मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ फाइन तो स्टार्ट करते हैं ये हमारा हो गया है इसका जो पार्ट वन है वो मेरा लेक्चर वन में कवर हो गया है इस चैप्टर का ये इसका अपडेटेड ये है पार्ट ठीक है तो ये हमने इंट्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी फर्स्ट वीडियो में ही सोसाइटी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो गया ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी तो कुछ थियोरीज है जो रह गई थी हमारी वो हम इस चैप्टर में इस वीडियो में देखेंगे ये बेसिकली आपको क्या बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी इसकी काफी थियोरीज हैं ठीक है अब इसकी थियरीज काफी हैं तो इस चीज से ये क्लियर हो जाएगा एक्चुअल ओरिजिन ऑफ सोसाइटी कहाँ से हुआ था ये किसी को नहीं पता इस वजह से अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं इस चीज को लेकर तो जो थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन इसका क्या बिलीफ है जो सोसाइटी है इट इज हैंडीवर्क ऑफ गॉड कि गॉड ने सोसाइटी आपको गिफ्ट करी है आपको प्रेजेंट दिए है सोसाइटी ह्यूमन सोसाइटी और फिर लोगों ने क्या किया है उस सोसाइटी को आगे बढ़ाया है लेकिन आई कहाँ से है सोसाइटी गॉड से डायरेक्टली तो जहां पे भी आप ये टर्म देखोगे डिवाइन किसी भी चीज़ को अगर डिवाइन ऑरिजिन बोला जाता है इसका मतलब वो किसका काम है वो उसमें कहीं ना कहीं आपका रिलीजन और गॉड का इन्फ्लुएंस रहता है तो यही ये थियोरी बोलती है सेकेंड इज ए फोर्स थ्योरी फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि कुछ लोग थे पावरफुल वो क्या करते थे वो एक्सरसाइज करते थे अथॉरिटी दूसरों पे जो पावरफुल लोग हैं उनका सबसे बड़ी निशानी क्या होती है वो कोशिश करते हैं फिर मैक्सिमम एक्सप्लाइटेशन करने की जैसे ही आप किसी इंसान को थोड़ा सा पावर दे दो तो जो इसके आएंगे इसके नीचे जो लोग आते हैं इस पावरफुल इंसान के ये इनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करता है अब जो सारे लोग थे जो एक्सप्लॉयट हो रहे थे वो एक साथ रह रहे थे तो उनके जो दुख वगैरह थे सबके सेम थे तो जब वो मिलने लगे बातें करने लगे वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करने लगे एंड अकॉर्डिंगली वहाँ से आपकी सोसाइटी जो है स्लोली डेवलप हो गई ठीक है

ये बिलीव करते थे कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है बर्ड सोसाइटी इनटू एग्जिस्टेंस ठीक है जब लोग साथ में रहने लगे उनको लगा कि हमें क्या करना चाहिए फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए जब लोगों ने स्टार्ट करी फैमिली तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस में इवॉल्व हुआ देखो एक फैमिली बनी तो उनको लगा कि फैमिली की कोई इंपॉर्टेंस है वर्थ है यहाँ से आपका वो आइडिया डेवलप हुआ कि एक सोसाइटी भी जो है वो ऐसे ही डेवलप होनी चाहिए अब वो सोसाइटी अगर मेट्री फॉर्म में डेवलप होगी तो वो जेंकीज का बोलना था एंड अगर वो सोसाइटी पेट्रियारकल फॉर्म में डेवलप होगी तो वो मेन का बोलना था हेनरी मेन का तो मेट्रियर्की कहा हुआ जहां आपकी मदर की अथॉरिटी ज्यादा होगी एंड पेट्रियॉर्कल जहां पे फादर की अथॉरिटी होगी तो ये दो फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी डेवलप हो गई मेट्रियर्कल ने कहा था एंड पेट्रियारकल मेन ने कहा था ये याद रख लेना फोर्थ वन इज अ थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसमें हम तीन नाम इसके साथ जुड़ते हैं हॉबीज लॉके एंड रोशे ठीक है जो हॉबीज थे इन्होंने कहा था जो पुराने लोग थे वो काफी आ, एविल लोग थे मतलब एविल टाइप के लोग थे बुरे लोग थे ठीक है उनमें से कुछ अच्छा नहीं था तो इसने जो बैड एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है उस पर फोकस किया था हॉबीज ने हॉबी ने क्या कहा था जो लोग थे वो एविल थे वो एविल थे एंड वॉयेंट लोग थे ठीक है और इस उनको क्या चाहिए था उन लोगों को फाइनली जो मतलब बुराई हो रही थी सोसाइटी में मतलब आपस में सब कुछ बुरा हो रहा था तो उनको इस लाइफ को एंड करना था एंड वो चाहते थे वो एक हैप्पी लाइफ जिए अब वो इतने बुरे ना रहे और उनकी भी एक सीधी सादी सी जिंदगी हो इस चीज को मतलब आगे बढ़ाने के लिए वो जो सारे लोग थे वो साथ में आए और उन्होंने क्या किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अब हम क्या करेंगे हम अच्छे से रहेंगे इन अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी हम एक सोसाइटी की तरह साथ में सारे लोग रहेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी डेवलप हुआ ये ही सेट सोसाइटी जो है वॉज ए रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया था लोगों ने क्योंकि वो तंग आ गए थे अपने वो एविल नेचर से अपने वॉयलेंस से अब उनको चाहिए था कि उनको सीधी साधी जिंदगी चाहिए इसीलिए सबने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया एंड आपकी सोसाइटी आ गई ये इन्होंने बुक लिखी ले है लेविथियन इसमें ये बुक में सारा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो लेविथियन किसकी बुक है हॉबीज की ठीक है लॉकी ने क्या कहा था उन्होंने इसका उल्टा कहा था उन्होंने कहा था लोग जो है वो पीसफुल लाइफ जो है वो जी रहे थे ठीक है कुछ सोशल लॉज थे वो लोगों ने खुद अपने लिए बनाए थे पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको क्या चाहिए कुछ ना कुछ आपको कंट्रोल या रेगुलेट करना चाहिए ना अदरवाइज आप अपने मन की करोगे हमेशा तो कुछ सर्टन सोशल लॉज थे जो लोगों ने खुद के लिए बनाए थे एंड वो वो लॉज को आराम से ओबे भी कर रहे थे लेकिन एक रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं था मतलब कोई फॉर्मल रूल्स नहीं थे लोग उन्हें बस अपने लिए लॉज बनाए थे एंड उसको फॉलो कर रहे थे तो उनको क्या चाहिए था आपकी कि नहीं हमें एक फॉर्मल रूल्स चाहिए हमें फॉर्मल जस्टिस का पैटर्न चाहिए जिन लाइंस पे हमारी जो ये है लाइफ वो डेवलप होनी चाहिए तो उन्होंने क्या किया दे सैक्रीफाइज देर लिबर्टी क्योंकि लिबर्टी को क्यों सेक्रीफाइस किया क्योंकि लोग वहाँ पे अच्छे थे आराम की जिंदगी जी रहे थे उन्होंने उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया उन्होंने कहा नहीं हमें कोई फॉर्मल फॉर्म ऑफ जस्टिस चाहिए हमें कोई फॉर्मल रिटर्न कोड्स एंड रेगुलेशन चाहिए लाइफ में तो इस चीज़ को ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया दे द मेंबर्स दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ ए रेगुलर सोसाइटी और उसी अग्रीमेंट के तहत जो अग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था वो अग्रीमेंट साइन इन द सेंस वो अग्रीमेंट किस चीज को लेके था अपनी आजादी को खत्म करके और एक फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने के लिए वहां से आपका सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ ठीक है थर्ड वन इज ए रोशियो रोशो ने कहा था द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी तब रियलाइज हुई थी Was realized only to serve ever increasing social problems and in order to live peacefully in society. तो इन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि सोशल प्रॉब्लम्स जो थी लोगों के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो चीजें वो बढ़ रही थी के सोसाइटी में मच रहा था लोगों को वो खत्म करना था एंड पीसफुली रहना था इस चीज की वजह से दे एंटर्ड इंटू एन अग्रीमेंट जिसने क्या किया बॉट सोसाइटी इन टू बींग ठीक है लेकिन इन थेज का भी कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं है मतलब कोई इनका प्रूफ नहीं है इन्होंने बस ये बातें करी थी तो तीन याद रख लेना सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक आपकी हॉबीज आ गए हॉबीज ने क्या कहा बुरे लोग थे उनको बुरे लोगों को फाइनली रियलाइज हो अच्छी जिंदगी जीनी है एक अग्रीमेंट बनाया कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ऑरिजिनेट हुई लौकी ने कहा लोग अच्छे थे अच्छे तरीके से लाइफ जी रहे थे लेकिन उनको एक कोई फॉर्मल स्ट्रिक्ट कोड चाहिए था जो उनको एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है प्रोवाइड कर सके इस वजह से उन्होंने जो अपनी लिबर्टी वाली लाइफ जी रहे थे उसको खत्म किया एक अग्रीमेंट बनाया अग्रीमेंट के तहत एक सोसाइटी जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करी एंड रोशियो ने क्या कहा जो केयर्स सोसाइटी में मचा हुआ था एक कन्फ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में था सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी लोगों को खत्म करना था और एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी इस वजह से सारे लोग आपस में अग्रीमेंट में आए एंड एक सोसाइटी का फॉर्म जो है वो डेवलप हुआ ये आपके थियोरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है यूजुअली लोग इसमें सिर्फ हॉबीज का नाम लेते हैं लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे एग्जाम्स में लॉ अगर रोशियो अगर आएगा ये दो नाम भी आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी से ही क्या है रिलेट करते हो फिफ्थ वन जो ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ सोसाइटी ये इनकी है हर्बर्ट स्पेंसर की अब जो मेरे वीडियोज को रेगुलरली देख रहे हैं उन्होंने सोशल चेंज का वीडियो देखा होगा सोसाइटी तो वहाँ पे हमने सोशल चेंज में हर्बर्ट स्पेंसर की जो सो, सोसाइटी है और इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको डिस्कस किया था कि इनको सोशल डावनिजम कहा जाता है इनकी थियोरीज को और ये बिलीव करते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कि जैसे सोसाइटी जितनी कॉम्प्लिकेट होती है जिस इंसान में इतनी पावर है इतना पोटेंशियल है कि वो उस कॉम्प्लीकेट सोसाइटी में खुद को अडेप्ट कर सके वही फिट होता है सर्वाइवल के लिए और वही आगे जाके सोसाइटी बनाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का ये सोसाइटी में लेके आए थे ठीक है इनकी ऑर्गेनिक थियरी में इन्होंने क्या किया था ही ड्रिव एन एनालॉजी बिटवीन दर्गन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल ऑर्गेनिज्म देखो इसका क्या मतलब हुआ इन्होंने कहा ये ह्यूमन बॉडी है ठीक अब ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बने होते हैं हार्ट है किडनीज है लिवर है ठीक है इंटेस्टीस है स्टमक है बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे ऑर्गन्स हैं अब इनका मानना था जैसे ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग काम करते हैं वैसे ही आपकी सोसाइटी के पार्ट्स काम करते हैं जैसे ये ऑर्गन्स सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं वैसे ही पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो है वो भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं अब वो कैसे होते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का किडनी फेलियर हो जाता है अल्लाह बचाए किसी का किडनी फेलियर हो गया तो क्या वो किडनी के फेल होने के बाद इंसान जिंदा रहेगा आप ये तो नहीं कह सकते ना तो क्या हुआ किडनी फेल होगी हार्ट तो है लिवर तो है नहीं ये सारे जो फंक्शंस हैं ये कोऑर्डिनेशन में काम सारे जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं इनको कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करना होता है कोऑर्डिनेशन में एंड सेकेंडली ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो ही तो ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंचेगा ना

जो पार्ट्स ऑफ सोसाइटीज हैं वो भी इंटरडिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली इंस्टीट्यूशन ले लो या रिलीजन ले लो या पॉलिटिक्स ले लो इकोनमी ले लो हर पार्ट ऑफ सोसाइटी जो है हर इंस्टीट्यूशन जो है उसको काम करना होता है दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन में अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सोसाइटी सरवाइव नहीं करेगी जैसे आपका ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं करेगा अगर एक भी ऑर्गन फेल हो जाए अगर एक भी पार्ट ऑफ सोसाइटी फेल हो जाए सोसाइटी एज अ होल सरवाइव नहीं करेगी उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें सॉलिडारिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी को हर पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए जरूरी है कि वो एक कॉर्डिनेशन फॉर्म में चले कॉर्डिनेटेड फॉर्म में चले एंड वो काम करे दूसरों के साथ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के साथ कि हर पार्ट जो है दूसरे पार्ट पर डिपेंड करेगा ये इनकी ऑर्गेनिक थ्योरी है हर्बर्ट स्पेंसर की ठीक है ग्रुप माइंड थ्योरी है ये क्या बोलते हैं ये जो ग्रुप माइंड थ्योरी है इससे आप अलग अलग नाम एसोसिएट हो जाएंगे इस थ्योरी के साथ एक आपका मैकडॉगल है ठीक है एक आपका हीगल भी आता है बॉसन क्वाइट भी आता है उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया इस आइडिया को एंड आपका प्लेटो भी आता है तो ये बेसिकली क्या कहते हैं जो ग्रुप माइंड है वो कंट्रोल करता है इंडिविजुअल माइंड तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को ऊपर रखते हैं इंडिविजुअल से ठीक है जो इंडिविजुअल है वो सबॉर्डिनेट है आपकी सोसाइटी के जब इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं उनके आइडियाज मिलते हैं उनके थॉट प्रोसेस मिलते हैं तो वो सारा जो उनका कंबाइंड देखो ये एक इंडिविजुअल का थॉट है सिर्फ एक वन इंडिविजुअल ठीक है वन इंडिविजुअल लेकिन जब वन टू थ्री फोर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल टेन इंडिविजुअल्स मिलते हैं जो इनका थाट आएगा इनकी आइडियोलॉजी होगी ये सुपीरियर होगी उस एक इंडिविजुअल के थॉट से ठीक है और यही थाट्स आपस में कंबाइन करके आपकी सोसाइटी बनाते हैं तो ये आइडिया को कॉन्ट्रीब्यूट अमेक डॉगल जो है इनका सबसे पहले नाम आता है इस थेरी के साथ देन प्लेटो ने कॉन्ट्रीब्यूट किया हीगल ने बॉसिनकॉट ने इसमें क्या किया कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया इस थेरी में प्लेटो ने क्या कहा था सोसाइटी इज द माइंड ऑफ रिट लार्ज दैट इज एन आइडियलिस्टिक थियोरी अबाउट सोसाइटी की सोसाइटी जो है बेसिकली आपके कहा आइडियाज कहा से आते हैं आपके ग्रुप माइंड से आते हैं तो ये चीज भी आप याद रखोगे मॉडर्न थियोरी अबाउट द ऑरिजिन सोसाइटी इन्होंने निगेट किया पुराने डिवाइन थियोरी को इन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत है डिवाइन थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है जो सोसाइटी है इट इज नॉट देंडीवर्क ऑफ गॉड ठीक है सोसाइटी डिवेलप होती है एवोल्यूशन से एंड ग्रोथ से सोसाइटी इवॉल्व होती है फॉर एग्जाम्पल पहले आप अलग होते हो अकेले इंडिविजुअल मेंबर्स होते हो फिर आप फैमिली बनते हो तो जो ही आप फैमिली बनते हो आपके अंदर एक फैक्टर आता है आपको होता है कि मुझे फैमिली को प्रिवेंट करना है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से भी तो जब आपके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ठीक जब आपके अंदर वो थॉट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं मेरी फैमिली है मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है तो नेचुरली आप किस चीज़ की तरफ जा रहे हो आप चाहोगे कि एक सोसाइटी बने जहाँ पे जो फैमिलीज हो कोई रूल्स बने हों जो फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके ठीक है तो वो थॉट सारा कहाँ से डेवलप हुआ आपके सोसाइटी के इवॉल्व होने से इवॉल्व होने से आप एक फैमिली में आ गए फैमिली में आप आके आपको साथ रहने की जो अहमियत है वो पता चली आपको पता चला अगर मदर फादर बच्चे साथ में रहते हैं तो एक फैमिली का बॉन्ड बढ़ता है तो वहां से वो सोसाइटी वाली फीलिंग डेवलप हो गई एंड रिलीजन ने भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया क्योंकि रिलीजन आपको रेगुलेट करता है कोई नॉर्म्स वैल्यूज प्रोवाइड करता है जिससे सोसाइटी स्टेबलाइज और स्ट्रेंथन हो जाती है तो फैमिली

तो अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी सोसाइटी को आप मतलब आप किसी भी चीज को एक ग्रुप को सोसाइटी नहीं बोल सकते पहला ये सेल्फ पर्पचुएटिंग होना चाहिए दैट मीन्स ये खुद को खुद ही आगे जो है वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए अगर फॉर एग्जाम्पल सारे इंडिविजुअल्स जो है वो मर जाते हैं कि सोसाइटी खत्म हो जाएगी विल सोसाइटी सीज टू एग्जिस्ट नहीं सोसाइटी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल है इंडिविजुअल्स मरे या जिंदा रहे सोसाइटी जिंदा रहेगी इसको सेल्फ पर्पचुएटिंग बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज होती है कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी के लिए जरूरी है तो ही ये सर्वाइव कर सकती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी सोसाइटी मान लो कश्मीरी सोसाइटी अब ऑर्गेनाइज होने का क्या मतलब है एक स्ट्रक्चर बना होता है सोसाइटी का देखो जब आप एक छोटी से हम फैमिली की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है जब आप घर आते हो चाहे जॉब से स्कूल से कॉलेज से कहीं से भी आप सबसे पहले क्या अगर आपको चाय चाहिए ठीक है खाना चाहिए आप मम्मा को ढूंढते हो क्योंकि फैमिली में एक डिविजन ऑफ लेबर एक थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि मम्मा कोई काम करती है पापा कोई काम करते हैं आप पापा को एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ये नहीं बोलोगे कि उठो मेरे चाय का कप बनाओ मम्मा के साथ आपका वैसा रिलेशन है आप बोल पाते हो कि उठो चाय बनाओ ठीक है तो ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे फैमिली चलती है अगर ये होगा अगर ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करोगे तो फैमिली जो है इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं करेगा ठीक है अगर आप जाओगे आपके घर का यही स्ट्रक्चर है लेकिन आप जाके पापा को बोलोगे नहीं आप ही जाए दे दो तो क्या होगा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट एंड केस मच जाएगा फैमिली सर्वाइव स्टेबल नहीं रह पाएगी वैसे कि आप इसको सोसाइटी में लेके देखो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज बने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाए सोसाइटी का एंड इट इज ऑलवेज गाइडेड बाय सम एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं सोसाइटी के जो हमने एक्सेप्ट किए होते हैं जो ग्रुप ये तीन चीजें नहीं करता है फॉलो वो एक सोसाइटी नहीं बन सकता तो सोसाइटी बनने के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट प्री हैं दैट मींस नेसेसरी है फॉर मेंटेनेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी ये टाइप्स ऑफ सोसाइटी है अगेन आपने सोशल चेंज वाला लेक्चर अगर देखा होगा ठीक है उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे इन चीजों की अदरवाइज ये लेक्चर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा और ये सारी चीजें मैंने वहाँ एक्सप्लेन की है फोर्ड इन एंड टॉनिस ने आपको दो टाइप ऑफ सोसाइटी दी थी जेमिन चार्ट एंड जैसल चार्ट दिस इज रिलेटेड टू योर कम्युनिटी जहाँ पे लोगों में यूनिटी सॉलिडारिटी एंड वी फीलिंग कलेक्टिव ऑरिएशन है जैसे रिलेटेड है आपके मॉडर्निज्म से तो आपके सोसाइटी से रिलेटेड है जिन ग्रुप ऑफ लोग जो है जो फॉलो करते हैं जो जैसे में आते हैं उनकी जो विल होती है उसको आर्बिटरी विल बोला जाता है एंड कम्युनिटी बेस्ड लोगों की विल को एसेंशियल विल बोला जाता है ये सारी चीजें वहां पर नोट्स पे में भी मैंशन है और ये क्या होता है मैंने डिटेल में बताया भी है दुर्खीम ने कहा था सोसाइटी बेस्ड ऑन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी होती है ये आपकी पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं ऑर्गेनिक सोलिडरिटीजर मॉडर्न सोसाइटी एनी डिविजन ऑफ लेबर पे बेस्ड होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है स्पेंसर ने कहा था मिलिटेंट इंडस्ट्रियल ये भी किया रॉबर्ट रेडफील्ड फोक एंड अर्बन सोसाइटी ये भी हमने वहाँ पे ये चारों चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी है एंथनी गिडन्स ने आपको कुछ टाइप्स सो ऑफ सोसाइटी दिए थे कहा था पहले जो सोसाइटी थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी फिर आपकी पेस्टोरल सोसाइटी हो गई जिसमें वो बकरियां वगैरह चराने वाली सोसाइटी उसके बाद एग्रेरियन सोसाइटी आ गई जहां पे आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो गए फिर आपकी ट्रेडिशनल स्टेट्स से सिविलाइजेशन आ गए जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी जहां पे मॉडर्न इकोनमी आ गई पार्सन्स ने कहा था उनकी टाइप्स ऑफ सोसाइटी कहा था जो पहली अर्लियर सोसाइटीज होती थी उनमें कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्बलिज्म होता था कॉन्स्टिट्यूटिव सिंबलिज्म क्या हुआ जिसमें आपका इंटरेक्शन होता है वाया सिम्बल्स इंटरेक्शन वाया सिम्बल्स ज्यादा होता है और वो जो सिम्बल्स होते हैं उनका एक शेयर्ड मीनिंग होता है इन दो चीजों का मतलब क्या हुआ सिंबल से इंटरेक्शन मींस जैसे आप नमस्ते किसी को करो या हाई करो तो वो एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन हुआ अब मैं अगर आपको हाई कर रही हूं मैं हाथ वेव कर रही हूं ठीक है तो वो मतलब हमारी इंटरेक्शन वायर सिंबल्स हो रही है फाइन अब शेयर्ड मीनिंग का मतलब क्या हुआ अगर मैं हाथ उठाऊं आपको वेव करने के लिए आप भी आगे से वेव करोगे वो क्यों करोगे क्योंकि आपको पता है वेव का मतलब क्या होता है वेव का मतलब किसी को ग्रीट करना होता है तो आप भी वेव करोगे तो जो हमारे सिंबल्स हैं उनका मीनिंग शेयर्ड होना चाहिए <coughs> आपको भी उसका मीनिंग पता होना चाहिए अदरवाइज मैं आपको वी विक्ट्री वाला साइन दिखाऊं आपको पता ही ना हो ये वी विक्ट्री क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मुझे क्या बोल रही है तो इसीलिए इन सिंबल्स का मीनिंग शेयर्ड होना चाहिए तो इनका मानना था पहले ज्यादा वायर सिंबल्स इंटरेक्शन होती थी आपकी वो वाली सोसाइटी थी फिर आपका आ गया एडवांस प्रमेटिव कम्युनिज्म एक एडवांस प्रिमेटिव सोसाइटी आ गई अभी ट्रेडिशनल ही चल रही है लेकिन उसका थोड़ा एक अपडेटेड वर्जन आ गया फिर इंटरमीडिएट सोसाइटी आ गई जो आपके एडवांस्ड और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बीच का एक ट्रांसिशन फेज है ठीक है और इंडस्ट्रियल कौन सी होगी आपकी मॉडर्न सोसाइटीज अब देखो इसमें चाहे आप सोसाइटीज टाइप बहुत सारी लिखो ठीक है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी इसलिए एक बेसिक रूल आप याद रखोगे मैंने आपको शायद लास्ट पिछले लेक्चर में भी कहा था जहां पे भी ट्रेडिशनल सोसाइटी आ गई तो वहां पे यूनिटी कम्युनिटी फीलिंग वी फीलिंग सॉलिडारिटी ये सब चीज़ों की बात करोगे जहां मॉडर्न सोसाइटी आ गई मॉडर्न इकोनमी आ गया कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसीशन आ गया हाई डिविजन ऑफ लेबर आ गया वो सारी चीज़ें आप एसोसिएट करोगे हमेशा मॉडर्न सोसाइटी के साथ एंथनी गिडेंस ने जो टाइप दिए थे ठीक है हंटिंग एंड गैदरिंग हंटिंग एंड गैदरिंग पेस्टोरल एग्रीरियन एंड ट्रेडिशनल ये चाहे तो आप कैरेक्टेरिस्टिक्स थोड़ा बहुत यहाँ पे इस चार्ट से देख लेना सारा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है बस कुछ-कुछ की पॉइंट्स आप इस चार्ट से देख लोगे कुछ और क्लासिफिकेशन दुर्खेम की थी सिंपल सोसाइटी सिंपल पॉलिस सेगमेंट्री सोसाइटी सिंपल कंपाउंडेड पॉलिसेगमेंट्री सोसाइटी एंड डबली कंपाउंडेड पॉलिस सेगमेंट्री सोसाइटी ठीक है ये चार टाइप ऑफ सोसाइटी जो थी दुर्खेम ने दी थी स्टेप बाई स्टेप सोसाइटी कैसे डेवलप और इवॉल्व हो गई ये अलग अलग नाम दिए हैं स्पेंसर ने कहा था सिंपली सिंपल सोसाइटीज फिर कंपाउंड सोसाइटीज फिर डबली कंपाउंड सोसाइटीज एंड आपकी ट्रिपली कंपाउंड कंपाउंड सोसाइटीज तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं ठीक है और हेनरी मेन ने कहा था आपकी सिंपल सोसाइटीज़ और इंडस्ट्रियल मॉडर्न सोसाइटीज़ उन्होंने कहा था स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी ये भी हमने आएगी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हॉवर्ड ने आपको दी थी सेक्रेट सोसाइटी जो आपकी रिलीजियस ओरिएंटेड सोसाइटीज़ होती हैं एंड दिस इज वन इज दिस वन इज योर सेक्युलर सोसाइटीज जो आपकी मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं ल पॉपर ने दिया था आपको ट्राइबल एंड ओपन सोसाइटी कार्ल मैन हमने दिया था ऑर्गेनाइज जनरल एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी कार्ल मार्क्स की थी प्रिमेटिव फिर आप आगे एशियटिक सोसाइटी एंशियंट सोसाइटी एट फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी कार्ल मार्क्स के साथ हम और एक डिविजन एसोसिएट करते हैं प्रिमेटिव कम्युनिज्म उसके बाद आपका एंशियंट स्लेव सेकेंड वन थर्ड इज यूडलिस्टिक देन यपिटलिस्टिक सोसाइटी एंड लास्ट वन इज एडवांस्ड कम्युनिज्म तो ये टाइप ऑफ एडवांस्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी तो ये टाइप ऑफ सोसाइटी भी किसके साथ रिलेटेड है कार्ल मार्क्स के साथ तो ये सारी चीजें भी आप याद कर लोगे यहाँ पे शायद एक स्पेलिंग uh, एरर है इराकियस सोसाइटी को ऐसे भी लिखा जाता है एग्जाम में दो में से कोई भी एक होगा तो आप वो मार्क कर लेना ठीक है इराकुस होती हैं आपकी जो हॉडेज क्या हुए आपके वो नोमैडिक ट्राइब्स जैसे जो अनऑर्गेनाइज लार्ज क्राउड आप वैसा ग्रुप कंसिडर करो उसके बाद इराक्वेज होते हैं आपके थोड़े से जो पोलिटिकली ये हो जाते हैं पोलिटिकली ऑर्गेनाइज बनने की कोशिश करते हैं एक क्लैन जैसा बन जाता एक क्लान में खुद को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो इसका थोड़ा आगे डेवलपमेंट होगी आपकी इराक्वेज उसके बाद एग्रेरियन सोसाइटी जो प्योरली एग्रीकल्चरल होती हैं जो इराक्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी हंटिंग एंड फार्मिंग हंटिंग में मेनली होता है लेकिन फार्मिंग के कुछ एलिमेंट्स वहां आना शुरू हो जाते हैं फिर ये आपकी मॉडर्न ठीक है फैमिली गो थ्रू ट्राइबल नेशन ये हमने पढ़ लिया है सारा क्या होता है तो ये सोसाइटीज uh, इन नामों के साथ एसोसिएटेड है इन थिंकर्स के साथ ये याद कर लेना वहां से इन चीजों से आपके एम जो है इन टॉपिक से काफी बन सकते हैं तो ये हो गया आपके सोसाइटी का पार्ट देन कम्युनिटी में हमें बस थोड़ा ही एड करना है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ठीक है इसमें आपकी तीन थियरीज है मेजरली जो आपको याद रखनी है ग्रासेस थियरी ऑफ इकोनॉमिक चेंज ये आपको एनएसबी ग्रास ने दिया था जो कि एक हिस्टोरियन थे इन्होंने कहा कम्युनिटीज कैसे डेवलप होती हैं पहले आपके सिंपल uh, इन्हें इकॉनमी बेस पे कहा था तो पहली इकोनॉमी इन्होंने कहा था नोमैडिक इकॉनमी होती है वही लोग नोमैड्स की तरह जो ट्रैवल करते हैं ठीक है नोमैड जो एक जगह से अपना टेंट उठा के खेमा उठा के दूसरी जगह लगाते हैं कोई सेटलमेंट नहीं होती है फिर आहिस्ता ऐसा कलेक्टिव कम्युनिटी आ जाती है दैट मीन्स थोड़ा फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इकॉनमी आ जाती है थोड़ा आप सेटलमेंट की तरफ जाना कोश जाने की कोशिश करते हो एंड फाइनली आपकी विलेज कम्युनिटी डेवलप होती है विलेज कम्युनिटी ठीक है और यहाँ से बाद में आपके टाउन्स एंड सिटीज बनना शुरू हो जाते हैं टाउन्स एंड सिटीज तो ये किसका था ग्रासेस ऑफ इकोनॉमिक चेंज इकोनॉमिक है इकोनॉमी के बेसिस पे ये तीन आप याद रख लोगे नोमैडिक इकोनॉमी देन आपका कलेक्टिव इकोनॉमी एंड देन विलेज कम्युनिटी अब जो कूले थे सी एच कूले इन्होंने आपको थेरी दी है ट्रांसपोर्टेशन की बाई सी एच कूले इनका क्या मानना था देखो इन्होंने कहा जब आप चीजें ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन यही जो आपका लिटरल मीनिंग है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांस्पोर्टे, का वही मीनिंग यहाँ पे भी है जब आप कोई गुड्स वगैरह रखते हो किसी ट्रेन में जो मालगाड़ियाँ होती हैं या ट्रक्स में आप गुड्स वगैरह जो है भरना शुरू हो जाते हो तो उसके लिए आपको एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है आपको फॉर एग्जाम्पल फाइव लोगों की जरूरत पड़ी वो गुड्स अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह अगर आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट करे फॉर एग्जाम्पल आप सीमेंट ट्रांसपोर्ट करे फॉर मतलब हाइपोथेटिकली ठीक है उसके लिए आपको फिफ्टीन लोगों की जरूरत पड़ेगी वो सीमेंट सैक्स की गाड़ी में रखने के लिए लोडिंग करने के लिए तो जहां पे आपको अनलोड करवाना है इस सामान को वहां पे फर्दर आपको 15 लोगों की जरूरत पड़ेगी अनलोडिंग के टाइम पे फिर जहां पे आपको वेयर हाउस में लेके जाना है इस सामान को आपको फिर से फॉर एग्जांपल 10 15 लोगों की जरूरत पड़ेगी वेयर हाउस तक लेने के लिए तो बेसिकली हो क्या रहा है इन आपस में लोग जो यहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे हैं तो एक उनके बीच में एक कॉपरेशन बढ़ जाती है इंटरेक्शन बढ़ जाता है और इन सब चीजों से आपका कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि हमें साथ में रह के कैसे काम करना है तो इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था एक कीवर्ड से जिसको बोलते हैं ब्रेक्स इन ट्रांसपोर्टेशन ये भी याद रख लेना ठीक है और ये हुआ आपका सी एच कूले का फिर मैकेजी ने भी आपको थेरी दी थी इनकी थेरी भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड थी इन्होंने मेट्रोपोलिटियन कम्युनिटी की बात की डेट मीन आपके शहरों की बात की थी पहले हम ये थोड़ा इरेज कर देते हैं इन्होंने क्या कहा था मेजरली आपकी जो सिटीज वगैरह होती है अर्बन एरियाज वहां पे डेवलपमेंट के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है वो तीन चीजें कौन सी होती हैं आपका रेल होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड आपके मोटर्स वगैरह ठीक है अब जैसे हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की एग्जाम्पल लें आप बोट से क्या करते हो थ्रू बोट्स आप ट्रांसपोर्ट करते हो सामान वो लेक्स में आप लेक्स के थ्रू या आपके जो रिवर्स हैं रिवर चैनल वहाँ से आप क्या करते हो सामान ट्रांसपोर्ट करते हो तो जो बैंक्स हैं इन रिवर बॉडी लेक्स के वाटर बॉडीज के रिवर चैनल्स के इनके बैंक्स पे क्या होना शुरू हो जाता है सेटलमेंट बनना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको लोग चाहिए ना सामान लोड करने के लिए फिर कहीं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा एक सेटलमेंट बनना शुरू हो जाएगी और वही सेटलमेंट कहलाती है आपकी अर्बन कम्युनिटी तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म्स है रेल ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन की एग्जाम्पल ले लो आपको अब आप कहीं पे ट्रैवल करना है आना जाना है उसके लिए आप क्या करते हो सेटलमेंट्स बनाना शुरू करते हो रेलवेज के इर्द गिर्द ही ठीक है तो वहां से जो इकट्ठे रह के वो इकट्ठे रहने लगते हैं लोग वहां से आपका कम्युनिटी का जो ये है फॉर्म वो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो इसमें आपको तीन नाम याद रखने हैं ग्रास थियोरी ने इकोनॉमी की बात करी थी सी एच कुली ने ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्रेक्स इन ट्रांसपोर्टेशन से रिप्रेजेंट किया था उसको और मेकनजी ने मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी की बात की करी थी इन्होंने कहा था तीन फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आपके मेजरली डेवलप होते हैं और उसी के इर्द गिर्द आपकी अर्बन कम्युनिटीज बनना शुरू हो जाती है ये डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ बाद में टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ मोस्टली हम इन दो नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं एक आपकी प्रिमेटिव पुराने जमाने की एक आपकी सिविलाइज नए जमाने की रूरल आपकी विलेज कम्युनिटीज़ जैसे ये एन बी ग्रास ने भी यहाँ पे कहा था विलेज कम्युनिटीज कैसे डेवलप होती हैं एंड ये आपकी अर्बन कम्युनिटीज जो किसने कहा था मैकेजी ने मेट्रोपोलिटिन में अपने इसमें द मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटी में उन्होंने लिखा था अर्बन कम्युनिटीज कैसे डेवलप होती हैं तो यूजुअली यही दो टाइप ऑफ कम्युनिटीज होती हैं जो हम मेजरली डिस्कस करते हैं तो ये सारी चीज़ें बाकी हमने पढ़ ली हैं ठीक है अब इसमें आपको खुद क्या करना है ये जो थोड़ा बहुत कैरेट्रिस्टिक्स है या आप इसमें कुछ कुछ की देख सकते हो ये सिंपल है तो बस ये कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट लैक फर्स्ट चैप्टर दैट इज योर सोसाइटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन फाइन अब आपका यूनिट टू हम स्टार्ट करेंगे और साथ में जो स्कीम्स है जो मैंने आपको बोला मैंने अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे वो ज़रूर आप याद कर लोगे एक वीक तक आपको मैंने दिया हुआ है उसके बाद उसका टेस्ट सीरीज होगा टेस्ट लेके आएंगे उसके बाद और फिर आपका पार्ट टू ऑफ स्कीम्स भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी सो so, टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कॉमेंट्स से बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं बाय